तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, आजकल फोटो एडिटिंग बहुत ही ज्यादा हाई लेवल में चढ़ते जा रहा है, क्योंकि फोटो एडिटिंग से ही पूरा आजकल क्या बोलूं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऐसा पूरा फोटो एडिटिंग से ही लेकर पूरा बढ़ चुका है। हर कोई पोज देने में आगे है। तो आपको इसमें मैं आपको बताना फोटो एडिटिंग के ही बारे में। तो फोटो एडिटिंग आप करो, जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, लूडो की फोटो एडिटिंग, तो आप उसको कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको जो पीछे बैकग्राउंड आप देख रहे हो, आप बैकग्राउंड देखो, मैं दिखाता हूँ। तो इस बैकग्राउंड में जो आप बैकग्राउंड देख रहे हो लूडो का जो बैकग्राउंड देख रहे हो, वो आप कहाँ से लाओगे? तो उसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, और वहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, तो आप उस पर टैप करो और आपको वो बैकग्राउंड मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। तो बैकग्राउंड आपको मिल गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो फोटो है, जिस भी फोटो को आप वहाँ लगाना चाहते हो, तो उस फोटो को आपको PNG क्रिएट करना पड़ेगा। तो PNG का मतलब क्या होता है, जब बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट फोटो होता है, उसी को PNG बोला जाता है। तो आप उस PNG को कैसे बनाओगे? तो PNG बनाना भी इजी है, मैंने उसको अलग वीडियो बनाया है, आप आई बटन में जाके देख सकते हो। तो ये दोनों हो गया, आपको बैकग्राउंड मिल गया, आपका फोटो का PNG बन गया। ठीक है, आपको ये दो चीज मेन करना है। तो ये दोनों चीज हो जाने के बाद आपको फोटो एडिटिंग कैसे करना है, तो फोटो एडिटिंग करना बहुत ही ज्यादा इजी है। तो मैं आपको शॉर्टकट तरीके से आपको पूरा बताऊंगा फोटो एडिटिंग आपको कैसे करनी है। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर। और होम स्क्रीन पर जाने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही घंटे वाले आइकन पर भी क्लिक कर देना, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं हमारे होम स्क्रीन पर। तो फ्रेंड, आप अपने पिकआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर ले। अब ओपन करने के बाद आप यहाँ ड्रॉ वाले जो बैकग्राउंड टैब ले ले, उसके बाद ड्रॉ वाले पर टैप करें। ड्रॉ वाले पर टैप करने के बाद आप जो सबसे ऊपर जो देख रहे हैं, आप उस पर टैप करें। फिर उसके बाद फोटो पर टैप करें, जो भी आप PNG क्रिएट किए उस पर टैप कर लेने के बाद आप उसे अच्छी तरह से सेट कर लें। तो मैं ये फ़ोटो को सेट कर लेता हूँ थोड़ा बढ़िया तरीके से। तो ये हमारा सेट हो चुका है। सेट होने के बाद जो आप इसके जो देख रहे हैं आप, ये हवा में थोड़ा उड़ा हुआ दिख रहा है, तो क्यों ना इसके पीछे कुछ शेडो लगा दिया जाए। तो शेडो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, PNG मतलब डाउनलोड जाके कर लो। तो अब मैं इसके पीछे शेडो लगा लेता हूँ। तो शेडो लगा लेते हैं इस पर फिर। तो शेडो हम पीछे लगा लेते हैं, शेडो आप सेकंड नंबर पर ही आपका लगेगा, तो ये सेकंड नंबर पर लगा लेते हैं। उसके बाद इस शेडो का जो एक्स्ट्रा जो हिस्सा होता है, उसको आपको इरेज करना होगा। तो आप इरेज भी कर लेना इसे, पहले इसे थोड़ा बढ़िया से मैं सेट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो ये सेट हो चुका, और अब इसे इरेज करते हैं। तो इरेज कर लेते हैं, तो इरेज हो लेते हैं थोड़ा देर। तो इरेज करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा लेने देना, इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो ये फ्रेंड हमारा इरेज हो चुका है। तो आप देख सकते हो इरेज होने के बाद बैकग्राउंड जो आपको, मतलब जो आपका शेडो जो दिख रहा है, वो लग रहा है एकदम हेड के जैसा ही लग रहा है, मतलब बैक के जैसा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका जो फिर से आपको शेडो को ले लेना है, और जो आप देख रहे हैं पैर, तो पैर के जगह आपको शेडो को अच्छी तरह से सेट कर लेना है। तो आपको सेट उस बढ़िया तरह से करना है, क्योंकि शेडो बहुत अहम भूमिका निभाता है किसी भी एक एडिटिंग को लेकर। तो शेडो आप अच्छी तरह से सेट कर ले। सो शेडो को सेट करने के बाद आप इसे बढ़िया से इरेज भी कर ले, क्योंकि शेडो तो आ गया, अब इरेज करना भी ज़रूरी है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ ज़रूरी होता ही है, तो मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। तो ये हमारा एडिट हो चुका है। सो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिख रहा है। सो ये हमारा इरेज हो चुका, और इरेज होने के बाद अब इस पेज लगाना है डाइस। तो डाइस का भी इमेज आपको मिल जाएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक दिया हुआ है। तो आप वहाँ से जाके लिंक पर टाइप करके अब जाओ, और जाकर डाइस को डाल दो। तो एम्प्टी लेयर पर जाने के बाद आपको इसको सबसे नीचे ले आना है, सबसे नीचे नहीं, जो आपका बैकग्राउंड है उसके ऊपर ही रखना है। तो उसके ऊपर रखने के बाद आप डाइस को चूज़ कर लो। डाइस को लेने के बाद आप राइट पर टैप करो, और डाइस को थोड़ा बढ़िया तरीके से सेट कर लो। सो इसे सेट करने के बाद आपको इसको फिर से एक बार ले लेना है। तो मैं इसे ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी करने के बाद आप फोटो पर टाइप करो। फोटो पर टाइप करने के बाद आप फिर से उसको रोटेट कर लेना, क्योंकि रोटेट करने के लिए, सो गाइस थोड़ा रोटेट में गलती हो गया, इसे मैं फिर से ले लेता हूँ सही तरीके से। सो लेने के बाद आप फिर से बढ़िया से इसे सेट कर लें। तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ। सो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा सेट हो चुका। अब बात रही जो बैक में जो है शेडो लग गया, शेडो के बाद जो मैं खड़ा टाइप में दिख रहा हूँ, और साथ में बैठा हुआ भी दिख रहा हूँ, तो थोड़ा एट्रैक्टिव नहीं दिख रहा, तो क्यों ना इसके पीछे डैश लगा दे रहा है। तो इसके लिए फिर से हमको एक
क्या बोलते हैं एम्प्टी लेयर लेना पड़ेगा। एम्प्टी लेयर लेने के बाद एड फोटो हमको करना पड़ेगा। तो एम्प्टी लेयर को आप थर्ड नंबर में रखें, थर्ड नहीं फोर्थ में रखना है इसको मेन। तो अभी थर्ड में ले लेते हैं, फिर उसके फोटो पर टैप करते हैं और फोटो मतलब जो डैश का था उसे ले लेते हैं और थोड़ा बढ़िया तरीके से इसे सेट कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हो लग रहा है कि मैं इस पर बैठा हुआ भी हूँ और साथ में खड़ा भी हूँ। तो आप जो ये बैक जो जो हिस्सा बचा हुआ कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, तो मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। इरेज कर लेने के बाद जो आप देख रहे हो नीचे में, तो इसे भी इरेज कर लेना है। तो इसे भी इरेज करना है तो पहले मैं ऊपर का कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का हमारा दिख रहा है, और इसे भी इरेज कर लेते हैं थोड़ा बढ़िया से। सो इरेज हो जाने के बाद जो ये जो आप पहले डैश लगाए थे वो आपको दिख नहीं रहा है बढ़िया से। तो उसको जो आप जो है सो जो आपने अभी लिया उसको एक और नीचे कर दे, फोर्थ नंबर पे कर दे। तो आप देख सकते हो जो आपका नीचे दिख रहा था वो ऊपर आ चुका है और कुछ फोटो हमारा इस तरह से दिख रहा था। आप इसे सेव करने के बाद आपको स्नैपशीट ओपन करना है, क्योंकि मैं स्नैपशीट से ज़्यादा ब्राइटनिंग इसे ठीक से करता हूँ। सो मैं स्नैपशीट को ओपन करता हूँ। स्नैपशीट को ओपन करने के बाद प्लस वाले पर टैप करके अपना फ़ोटो को ले लें। फ़ोटो को लेने के बाद आप जो इमेज टाइम इमेज है उस पर चूज़ करके अपना ब्राइटनेस कॉन्स्ट्रैक्ट और हाईलाइट ये सब जितना अपने हिसाब से बढ़ाना है बढ़ा सकते हो। तो मैं इसे अपने हिसाब से बढ़ा लेता हूँ पूरा। तो बढ़ा लेते हैं थोड़ा ब्राइटनेस, और हाईलाइट तो बढ़ाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाईलाइट जो हमारा फेस में जो है वो थोड़ा कम दिख रहा है, तो मैं इसे बढ़ा लेता हूँ। तो बढ़ाने के बाद इस ये हमारा बढ़ चुका, अब आप देख सकते हो बढ़ने के बाद एक कुछ इस तरह का दिख रहा है। और इरेज कर लेते हैं जहाँ कुछ ज़्यादा हो चुका है। तो इसे इरेज करने के बाद आप कुछ देख सकते हो हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। सो जहाँ जहाँ आपका स्क्रीन है आप वहाँ वहाँ ज़रूर करें, क्योंकि ब्राइटनिंग होना चाहिए आपको पूरे स्क्रीन में। तो ये हमारा हो चुका पूरे स्क्रीन में देख सकते हो। तो एक हिस्सा और बचा हुआ है, सो उसे भी कर लेते हैं। तो ये हमारा होने वाला है। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कुछ हमारा इस तरह का दिख रहा है। सो ये होने वाला है, सो हो चुका है। सो आप देख सकते हो कुछ हमारा इस तरह का फोटो दिख रहा है। सो आप इसे सेव कर लो एक्सपोर्ट पर टिप करके। सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही घंटे वाले आइकन पर भी क्लिक कर देना, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड।